लाइट, एम है ये सबका, हो फ्यूचर ब्राइट। मैंने और तुम्हारी मॉम ने इस साल एनिवर्सरी लोनावाला में मनाने का फैसला किया है। अगर धारा घर पे नहीं होगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए पुरंदा, हम चाहकर भी धारा को आपके साथ नहीं भेज सकते। आज मुझे जिंदगी में सिर्फ 2 दिन चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में से 2 दिन, ठीक है दिया। इंसान शराब के नशे में जरूर कोई ना कोई गलत काम करता है और उसका पछतावा वो जिंदगी भर करता है। जॉनी जॉन। यस पापा। लॉट्स ऑफ टेंशन। यस पापा। फैमिली एंड फ्रेंड्स लाइफ। नो पापा। गोइंग फॉर पिकनिक। यस पापा। सो एवरीवन इज एंजॉयिंग द ट्रिप। किया है मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। मेरी टूटी हड्डी जहां वहां हॉस्पिटल ही बंद था। फिर मुझे एम्बुलेंस में डाला जिसका पेट्रोल ही खत्म था। फिर मुझे रिक्शे में बिठाया क्योंकि उसका किराया कम था। अल्टीमेटली मुझे डॉक्टर्स ने उठाया क्योंकि इन नर्सों में कहां दम था। मुझे हॉस्पिटल में बेड पे जाके लिटाया जिसके नीचे बॉम्ब था। फाइनली मुझे बॉम्ब ने उड़ाया, गोलियों में कहां दम था। और इस सड़क पे लाके मेरे को दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन जो था। हर्ष,
यार, वी आर ऑन अ पिकनिक। हम सब तो ऐसे बैठे हैं जैसे टीवी पे कोई रोने धोने वाला प्रोग्राम देख रहे हैं। मधु, हर्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे पिकनिक का मतलब है एंजॉयमेंट यार। You are absolutely right, uncle. You know what? Picnic यानी enjoyment, entertainment. और इसीलिए तो हम हर्ष नाम के जोकर को एंटरटेनमेंट के लिए साथ ले आए। क्यों हर्ष? तुम लोग ही डिसाइड करो कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या किया जाए। डमशरास के लिए? अंताक्षरी, ओ कम ऑन, ये सब हम बाद में भी खेल सकते हैं, ये बहुत लंबी जर्नी है। अभी हमें सबसे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग गेम खेलना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग गेम? या सबसे इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग गेम? डम्बो, ऐसा कोई गेम नहीं होता। होता है? नहीं होता है। होता है। हर्ष एक बात कह दिया ना, नहीं होता है। होता है, तू मेरे पापा से पूछ ले। मुझसे? हाँ पापा। देखिए, हम आज सब पिकनिक पर लोनावला क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपकी और मॉम की 20th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, तो हमें फिर उसी की बात करनी चाहिए। वो क्या है ना कि अगर हम कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे तो आइडिया अपने आप ही हिट हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। अच्छा एक बात बताइए, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि एक लड़का और लड़की में दोस्ती के बाद प्यार हो सकता है, मगर प्यार के बाद दोस्ती नहीं, क्यों कहते हैं? मंजिल अपनी अपनी है, मंजिल अपनी अपनी। मंजिल अपनी अपनी है, मंजिल अपनी अपनी। वो इसलिए बेटा कि दवा मौत से पहले असर करती है, मौत के बाद नहीं। क्या? यानी हमारी शादी आपको मौत लगती थी? नहीं, मैं तो बस यूं ही बच्चों के साथ। बच्चों के साथ नहीं, बच्चों के सामने। आपने बच्चों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। तुम्हारी इंसल्ट? मैंने? हाँ, आपने मेरी इंसल्ट कर दी। स्टुपिड, तुम्हारे वजह से तुम्हारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं और तुम यहाँ पर उन्हें मुस्कुराकर देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर कोई कॉमेडी फिल्म चल रही है? तुमने ही कहा था ना, दुनिया का सबसे एंटरटेनिंग गेम है। लो, आप कर लो एंजॉय। अरे मधु, हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, थोड़ी सी मस्ती मजाक करो। तुम मुझे गलत समझ रही हो बाबा। नहीं, गलत तुम्हें 20 साल तक सोच रही थी, सच्चाई तो अब पता चली है। अभी तो 20 साल हुए शादी को। लेकिन हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हें भी, तुम आज भी वैसी ही हो जैसे 20 साल पहले थी। हाँ? तुम भी ना मधु, बारिश में भीगने का शौक,
कुछ समझ में दिया है? अरे अरे मत करो, भीग जाओ मधु, प्लीज भीग जाओ यार। लोना वाला अगर हम भीगेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इन लोगों को आज तक रोमांस करना ही नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी सिखा देता हूँ। बात भी सही है। अरे क्या है पापा? आप लोनावला आके इतने रोमांटिक मौसम में मम्मी के साथ एक छतरी शेयर नहीं कर सकते? अभी कुछ समझा नहीं यार। आपको राज कपूर जी और नरगिस जी का वो गाना याद नहीं? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रस्ता मुश्किल। अरे बेटा हर्ष हर्ष, अरे भीगता हूँ यार। अरे हर्ष तुम भीग रहे हो। पापा लोनावला में हो, थोड़ा रोमांटिक हो जाओ। आखिर बेटा किसका है? उसने कहा कि थोड़ा भीग जाओ। अरे मधु मधु भीग जाऊंगा यार। यार क्या ये हर्ष लोग लोनावला पहुंच गए होंगे? अबे हाँ यार, लोनावला गए, लंदन नहीं गए, पहुंच गए होंगे। अमन भाई, हर्ष ने धारा को तो मना लिया होगा ना? यार अंकित, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ कि न जाने वहां क्या हो रहा होगा। पता नहीं हर्ष धारा को मना पाएगा या नहीं। हाँ यार, भगवान करे कि हर्ष धारा को मना ले यार। हाँ यार ऐसा ही हो। चल
निकिता निकिता मैं बाजार जा रहा हूँ, तुझे कुछ मंगवाना है? नो थैंक्स। हाँ हाँ गेम, मैंने गाड़ी में क्या कहा था? अंताक्षरी। हाँ करेक्ट, पर टीम्स कौन डिसाइड करेगा? टीम अरे पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन। हाँ हाँ हम भी तो देखें कौन जीतता है, न्यू जनरेशन या हम? हाँ, न्यू जनरेशन 100% न्यू जनरेशन। तो फिर शुरू करें, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु जी का नाम। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को मैं ना भूलूंगा। गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है, जाने जा ये दिल। ला ला ला, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे रह जाएंगे पैसे वाले, देखते रह जाएंगे। ओ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ए ए ए ए ए मेरे चोर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। ना नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। यासे ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम, अरे महबूब का जो चीटर। तो उन लोग की साइड से गाना गा रहा है कि हम लोग की साइड से? अरे यार इतना तो चलता है। हर्ष तो रुक, दीदी हमेशा चीटिंग करता है इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ना ले सकता। मैंने कोई चीटिंग नहीं। अरे अरे अरे, अरे। मंजिल अपनी अपनी है, मंजिल अपनी अपनी। बेटा कुछ दिनों पहले तुम भी इसी तरह हंसती मुस्कुराती थी,
तुमने अपने ही फैसले से अपनी खुशियों को रौंदा है। मैं जानता हूं धारा बेटा कि तुमने ये फैसला यशवंत भाई के दबाव में आकर किया है। और तुम अब भी उन्हें समझा सकती हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। देखो बेटा, तुम ये मत सोचना कि हम अंकल आंटी की हैसियत से तुमसे ये पूछ रहे हैं, एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहे हैं। कि क्या तुमने अपनी मर्जी से इतनी जल्दी शादी करने का फैसला किया है? वो भी अपनी पढ़ाई छोड़कर। आंटी, छूटा तो बहुत कुछ है मेरी लाइफ, और अब मेरी लाइफ मुझे लुटेरी से लगती है, इसलिए मैंने आंखों में सपनों का खजाना जमा करना छोड़ दिया है। ना उम्मीदी बुजदिली है। मंजूर है, लेकिन मैं अब अपना फैसला नहीं बदलूंगी।